अरे घर में कोई है क्या? कौन? अरे हम हैं। आप कौन? कल्याणपुर से आए हैं। कल्याणपुर से? हाँ। कौन है? सामने तो आइए। अरे आप हमें नहीं जानती, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। हाँ। आप कौन? आपने पहचाना नहीं हमको? नहीं पहचाना तो नहीं। एक बार आपके घर पे आए थे, आपने हमको जलेबी खिलाई थी, नाश्ता कराया था। अच्छा अच्छा, याद आया। भूल गई हमें, बहुत पहले की बात। हाँ। है जी, बताइए। लेकिन भगवान आप बड़ी, अभी भी जितनी सुंदर पहले थी उतनी सुंदर आप अब भी हैं। वो हम समझ रहे हैं आपकी बात। हाँ, समझ रही हूँ। आपको जो कहना आप वहाँ से बोलिए। नहीं, मैं आपको ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आपसे एक रिश्ते की बात करने आया हूँ। हाँ हाँ, वो हम समझ, लेकिन आप वहाँ से बोलिए, उधर से बोलिए। अच्छा अच्छा, दरअसल बात यह है कि हमारी पत्नी जो है जी, 11 साल 5 महीने 3:13 पर खत्म हो गई। अरे, तो बड़े दुख की बात बताई। हाँ। आपने, जब से हम ऐसे ही हैं। हमारे भी पति विदेश चले गए। कितने दिन हो गए? कम से कम 8 साल हो गए उनको, अभी तक वापस नहीं आए। आपको 8 साल हो गए, मुझे 11 साल हो गए। हम उनका इंतजार करे जा रहे हैं, अब बूढ़े होते जा रहे हैं। नहीं तो मैं आ तो गया हूँ, अब जवानी मेरी सब पूरी खत्म होती जा रही। नहीं, मैं इसीलिए आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। दरअसल बाकी है कि आप कहे के लिए आए? करें, मैं इसीलिए आया हूँ, मतलब हम अब बात नहीं समझ पाए आपकी। नहीं नहीं, आप समझ, आपने कहा मैं इसीलिए आया हूँ, आप मुझे गलत मत समझिए। अच्छा, मैं आपका दुख दर्द बांटने आया हूँ। अच्छा, आपकी परेशानी को दूर करने आया हूँ। परेशानी? अरे आपके ऊपर जो 8 साल से परेशानी है उसको दूर कर दूंगा मैं। आप क्या दूर करेंगे? अरे आपको चिंता है ना? हाँ हाँ हाँ, वही, इसीलिए मैं आपकी। अब बस यही तो सोचते कि हमारी एक बेटी है, अब उसकी शादी कैसे हम करें? वो किससे है? नहीं, मेरा मतलब किससे है बेटी? आपके पति? हमारे पति से, और किससे? ये मांग हम किस लिए भरे? उनके लिए भरे। 8 साल पहले चले गए ना वो। तो क्या हो गया? चले नहीं गए, विदेश गए हैं। अच्छा, विदेश गए? हाँ, कहीं और नहीं चले गए। हम तो जाने के चले गए। कहाँ चले गए? नहीं, कहीं चले गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, विदेश गए। आप नाराज मत होइए, हर महीने पैसा उनका आता रहता है। हम, मैं आपका ख्याल रखूंगा ऐसी बात नहीं। जी बताइए। जी जी, आप हमें बड़े रसिया टाइप के दिखते हैं। जी, वो तो हम बचपन से हैं। अच्छा। हाँ। आप आए क्यों हैं ये बताइए पहले। हम इसीलिए आए, बस आपके लिए आए हैं। हमारे लिए? जी। हमसे क्या काम है? आपसे तो हमें मेन काम है। बताइए क्या काम? आप ही हमारा कष्ट दूर कर सकती हैं। बताइए बताइए, हम बहुत जल्दी दूर करते हैं। ये तो हमें मालूम है कि आप बहुत जल्दी दूर, लेकिन हाथ धर के बात ना करिए, थोड़ा दूर हो के बात करिए। हमारी जवान बेटी है ना। जी जी, अब वो तो घर में होगी। हाँ हाँ, घर में, अंदर है। अच्छा, खाना ना बना रही। देखिए, बात ये है कि मेरे 4 बेटे हैं। जी, तो मैं सोचता हूँ कि अब उनकी कहीं शादी ब्याह करवा दूँ। नहीं बिल्कुल, बेचारे बड़े परेशान हैं। हाँ हाँ, समझे। दोनों एक दूसरे, एक उससे कहता है, एक उससे कहता है, एक उससे कहता है। आपसे नहीं कहता होगा डर की वजह से। अब आज उन्होंने मुझसे फैसला किया कि कोई कहता है पापा, कोई कहता है बाबा, कोई कुछ कहता है। हाँ, तो हाँ, समझ में आता, बोल देता। तो मैं उनके, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अब इनकी शादी ब्याह करवा दूँ। थोड़ा हाथ हड़ा के बात करिए, अब बताइए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इनके शादी ब्याह करवा दूँ, ताकि ये शादी ब्याह होने के बाद में अलग हो जाए। तो आपको भी फुर्सत मिले, मेरा भी कुछ इंतजाम हो जाए फिर। काहे का इंतजाम? अरे आप तो समझती हैं सब कुछ। समझ रहे हैं हम सब। जी 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 जी, मतलब हम लोग, चलो खैर कोई बात नहीं। तो आपकी अगर बेटियां, क्या बेटियां हैं आपके? एक बाकी उसकी सखी सहेलियां आती जाती रहती हैं। एक बेटी आपके? मेरे बेटे तो 4 हैं। 4? हाँ, 4 बेटे हैं। अच्छा, और चारों कहते हैं कि हमारी शादी कराओ। चारों? हाँ। अरे तुम्हारी तो बहन है ना, उनके भी 3 बेटी हैं। नहीं नहीं नहीं, वो एक ही घर में करना चाहती हैं। अच्छा, हाँ तो हो जाएगी। हमारी बेटी उनकी बेटी में कोई फर्क नहीं है,
वो हमारी बहन है ना, उनके तीन बेटे हैं। वो बड़े नालायक हैं, बहुत नालायक हैं वो। अच्छा, वो ये कहते हैं पापा हम एक ही थाली में खाएंगे चारों। अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैं साफ साफ लफ्जों में नहीं कह सकता हूँ। जो कहते हैं पापा हम चारों भाई में बहुत मोहब्बत है, हम एक ही थाली में निपट लेंगे। निपट लेने का क्या मतलब? अब आप समझो, मतलब एक थाली में चारों खाएंगे, एक ही थाली में भोजन के। ये कह रहा था बड़ा वाला कि पापा पहले मैं कर लूंगा, उसके बाद छोटा वाला कर लेगा, फिर वो तीसरा वाला कर लेगा, फिर चौथा वाला कर लूंगा। मैंने कहा हमारा नंबर तो फिर बाद में है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरी जो बेटी है, वो बेटे जो हैं, वो इतना इनमें प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है कि वो अच्छा कि वो एक ही थाली में चारों भोजन करते हैं। आप परेशान मत होइए जी, हमारी एक बेटी है जी, एक बेटी चारों पे भारी पड़ेगी, वो सब समझ लेगी, सब निपटा देगी काम। वो हमारी बेटी बहुत समझदार है, आपके चारों बेटे पे जी 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 मेरी बेटी भारी पड़ेगी। आप हम पे कब भारी पड़ेंगे? अब क्या बताएं, आप रिश्ता लेकर के आए नहीं तो हम आपको। अरे भाई आप हमारी समझन भी तो हैं। ठीक है ठीक है, आप जाइए। तो हमारा तो चलता है ना इतना। हाँ हाँ चलता है, लेकिन इतना गहरा नहीं चलता है। देखिए दूर का रिश्ता चलता है। मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा है। हाँ बताइए। इनकी चारों की शादी हो जाए ना जी, तो जो आपकी नीचे वाली दुकान है ना, वो हमको दे दीजिए, हम अपना सामान उसमें घुसड़ देंगे। घुसड़ दोगे कि रखोगे? एक ही बात है, अभी तक हमारी दुकान उठी थी किराए पे, अब वो खाली होगी, इसमें ताला पड़ा है। अब आप शादी करने के बाद जब आना तो आपका सामान हम इतना अंदर कर देंगे कि आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। हम उस ताले में थोड़ा सा तेल डाल देंगे पहले तो ताला। चाहे आप तेल डालो चाहे कुछ भी डालो, अंदर बहुत गहरा है ना, हमारी दुकान बहुत गहराई है, तो वो जल्दी आप निकाल नहीं पाएंगे, हाथ ही नहीं आपका पहुँचेगा। पर नीचे के खोल देना आप। हाँ हम खोल देंगे, आप में हिम्मत हो तो आप सामान अंदर लगा देना या निकाल लेना। अरे थोड़ा थोड़ा करके रख देंगे सामान। बिल्कुल बिल्कुल, इकट्ठा रखोगे तब भी चला जाएगा अंदर। कोई बात नहीं है। वैसे आप निकाल नहीं पाओगे, हमारी दुकान की गहराई बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जी जी अच्छा तो मैं चलूं फिर। जी नमस्ते जी। जी कितनी अच्छी हैं आप। अरे देखिए मैं लड़कों को ले आया हूँ। आप लड़कों की शादी करने आए कि आप अपनी शादी करने आए? 11 साल हो गए ना। 11 साल हो गए? हाँ। 11 साल 3 महीने 2 घंटा है। तो आप बच्चों को बाद में कर देना, पहले आप कर लीजिए ना। इसीलिए तो आपके पास में आया हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। कि बाद में मैं कर लूंगा। हाँ ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल। मैं लड़कों को बाहर खड़ा करके आया हूँ। अच्छा अभी तक खड़ा ही है। खड़ा है? हाँ। बैठता नहीं कभी? अरे तीनों चारों लड़के खड़े हैं। अच्छा खड़े हैं। हाँ हमसे तो जगह हो तो बैठा दीजिए। जगह नहीं है, आप ही के घर में जगह है। हाँ बिल्कुल, हमारी जगह, हमारे घर में बहुत जगह है। यही चार क्या, चार और ज्यादा आ जाए। यही आप वो लगवा रहे हैं जो बहुत कुर्सियां हैं, सोफा है, मेज है, सब में खा लेंगे पी लेंगे, वहीं सो भी जाएंगे। वो हवन कुंड जो है, अरे बहुत गहरा है, वहीं से आप करवा, चारों का हो जाएगा उसी। ठीक है ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ जी, आप तैयारी करवाइए। जी जी बिल्कुल तैयारी हमारी, थोड़ा हमारा भी ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए। तो वर वधू को बुलाइए। अच्छा पंडित जी, और दूल्हा को बुलवाएं? हाँ दूल्हे को बुलाइए। आओ बेटा रामू सामू कामू दामू। जजमान आपने ये क्या किया, चार दूल्हे का नाम लिया? हाँ पंडित जी चार दूल्हा हैं। चार झूले? हाँ। और एक वो दूल्हा कन्या? अरे पंडित जी आपको अपनी दक्षिणा से मतलब है क्या? आपको इन बातों से क्या मतलब है? ठीक है जजमान, ठीक है ठीक है, बुलाइए जल्दी। आई आओ बेटा, चलिए फेरे लगाइए। अरे क्या कर, अरे क्या करवा रहे हो जजमान? कोई बात, नींद में है। अच्छा जजमान चलिए भाई फेरे लगाइए। कराग्रे वस्ते देवी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नम। अरे क्या करवा, मत बोलेगा जजमान, पकड़ो।
समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादपद्मेषु। चलिए भाई फिर लगाइए जल्दी जल्दी, बस खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ। जजमान हाँ, इनको आशीर्वाद दे दे। पंडित जी माला तो डलवा दो, क्या कैसी शादी करवा रहे हो? माला हाँ। पहले जयमाल नहीं कराई थी क्या? जयमाल तो आपके सामने ही होगी। नहीं, जयमाल पहले होती है। अरे आप उसके बाद अरे आपको अपने दक्षिणा से मतलब है, आपको क्यों? ठीक 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 जयमाल, ठीक ठीक, जल्दी शादी करवाइए। चलिए 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 चलिए, जजमान जजमान दूसरी भी शादी लगी हुई है, जल्दी कराइए। लो बेटा ये माला डाल दो, चारों लोग हाथ दो लाख एक बजाने वाले चार। बेटा पंडित जी हाँ, बातों से ठीक 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 जजमान, ठीक ठीक ठीक। और क्या है पंडित जी, ये चारों पे हमारी बिटिया भारी पड़ेगी। हाँ दिखाई पड़ रहा, बहू को अंदर ले जाओ, थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। और का कोई वो इंतजाम करवाया है तुम्हारा वाला? नहीं, हमारा तुम्हारा जो इंतजाम था वो तो बाद में होगा। अच्छा तो वो इंतजाम पप्पा अबे कहाँ ले जाएगा? अभी नाश्ता पानी नहीं करोगे? आप बिटिया को अंदर ले जाइए, तैयार करवाइए विदाई की। अरे वो कह रहा है कि ले ली जाओगे? ले जाएंगे ले जाएंगे, थोड़ा बच्चा सबर करो, बर्दाश्त नहीं है। अरे करो, बहू को आप अंदर ले जाइए। जजमान अरे रुको, सबर करो, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे बच्चा है। जैसा बीज डालोगे वैसे तो पौधा होगा। तो सही है। अबे क्या कर रहा है? अरे यो छोड़ दे, यो छोड़ दे, बाद में लियो। बैठ जा, ये कौन है? अबे बैठ जा। जजमान पंडित जी दक्षिणा? अरे बिल्कुल बिल्कुल ले, दक्षिणा ले, रेजगारी लोगे पंडित जी के? जजमान आजकल रेजगारी काम नहीं, बने बने लाओ। नोट दें? अरे जजमान नोट वहाँ टेटे बने का वही खोल के दे। और आप तो यही भैया, लाओ 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 जजमान लाओ, पहले मुंह तो मीठा कर लियो। नहीं नहीं जजमान। अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? अबे बैठ जा, तू तो सारा बहरा है। अरे और ले पंडित, अरे आप तो खाने वाले पंडित हो। अबे ले अंधे, अबे तेरी माँ का लौंडा मारू तेरी का सारा मेरे आंखों। अबे अंधे के जने, तुम भी तो तेरे ले रहे हो, दूर से कहो हाथ में उसके पकड़ा दो। हम हाथ में पकड़ा दे रहे हैं? अरे बच्चों को खिलाते थे कि नहीं? अभी तक तो मैं हाथ में पकड़ाते थे, अब तुम्हारी शादी ब्याह होगा तो फिर कौन पकड़ाएगा? अरे वो तुम्हारा काम नहीं है, वो कर देखो ना गजोदर का। देख रहे हैं, ले ओ ले बच्चा। अरे हल्दी कराओ। हाँ हाँ रुक जा, हल्दी कराए करा रहे हैं, हल्दी कराए। अबे ओए अतुलिया आ रही। हाँ तुम तो आचोगे। हाँ हाँ हो ना, पूरे पक्के हीरा। हाँ तारे हम लोगों से तुम कैसे पैदा हो जाते? करो अपनी भी कर लो, जमाना मोहल्ला काय करेगा। तुम्हारी शादी ब्याह हो जाए ना तो हम सोच रहे
इनकी तो अम्माएं उसी से लग जाए जाओ मारेगा कौन मारेगा हमें हीरे बोलो हीरे हीरे नहीं धीरे पंडित जी आपकी दक्षिणा रखनी है ले लो वहां जाके ठीक जजमान ठीक आशीर्वाद दे दी बच्चों के लिए लड्डू ले जाते अरे तो आप अपने हाथ से ले जाओ अरे सब ले जाओगे क्या अब ऐसे कैसे ऐसे खराब लगे जजमान अच्छा ले जाओ पंडित जी सब न ले जाना थोड़ा हमें भी छोड़ जाना